आदमी भी बूंद खाता है क्या? गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे रोहित चाय बना रहे हैं सबके लिए, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, जो मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ पे आप दो डब्बे देख रहे हैं, दो डिफरेंट डब्बे हैं। फर्स्ट वाला रोहित का डब्बा है जिसमें गूंद है, जिसमें गूंद कम है और आटा ज़्यादा है। सेकंड वाला जो रेड वाला टॉप है जो अभी रोहित ने खोला है, वो मेरा वाला है। रोहित को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज उसमें घी बहुत ज़्यादा है और गूंद भी ज़्यादा है, तो रोहित ने अभी निकाला है। रोहित रोहित और निकाल रहे हैं। रोहित वांट्स मी टू बी हेल्दी, सही है। तो अभी आप देख रहे हो दो डिफरेंट गूंद, जो पहले वाला है वो रोहित का है, इसमें गूंद कम है, और सेकंड वाले में मेरा है जिसमें गूंद और घी भरपूर मात्रा में है। रोहित के हाथ चिकने भी हो गए हैं उसको निकाल के, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ओह वाओ, अब चाय रेडी हो गई है, तो रोहित अब पोर कर रहे हैं। फर्स्ट वाला कप मेरा है विच इज़ थर्मोस कप, जिसमें चाय गर्म रहती है बिकॉज मुझे गर्म चाय पसंद है। सेकेंड डकली वाला वाइट वाला रोहित का है। रोहित चाय पोर कर रहे हैं, दैट मीन्स रोहित शायद आज मेरे साथ चाय पियेंगे। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होगा। ओह वेट, लगता है कोई थर्ड मेहमान राव्या के लिए शायद चाय पोर कर रहे हैं अब, क्योंकि थोड़ी सी बच गई है। नहीं, जोक्स अपार्ट, तो घर वालों ने चाय पी ली है, तो सर्दी का मौसम है, चाय तो कोई भी ले सकता है। तो अब यहाँ पे प्लेट रेडी, और वहाँ पे वाओ यम्मी वाले हैं रिच टी के सैंडविचेस। तो रिच टी इज़ लाइक मैरीगोल्ड। ओ प्लीज़, रूम मैसी है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, यहाँ पे मैं सो रही हूँ, रोहित ने मुझे उठाया बट मेरा मन नहीं है। रोहित ने फिर से बोला यहाँ पे मेरा मन नहीं था उठने का बिल्कुल भी। तो रोहित ने बोला गर्मा गर्म रिच टी के बिस्किट और चाय। देन आई वॉज लाइक ओके, रोहित ने बड़े प्यार से बोला प्लीज़ उठ जाओ। तो अभी मैं चाय वगैरह लेके आ गया हूँ, आपको दो तरह का गूंद भी दिखा दिया, पारुल का कौन सा और मेरा कौन सा है। उसी के साथ अब हम आराम से, बेबी नीचे है, राव्या नीचे है अपने दादू के पास, दादी के पास, चाचू भी आए हुए हैं। चाचू आ गए? चाचू कल रात को ही आ गए थे। अच्छा। और अब हम आराम से, हम थोड़े लेट उठे थे क्योंकि हमारी कुश्तियाँ रात को चलती हैं बेबी के साथ, तो हम इंजॉय करते हैं गूंद चाय। पारुल की आंख भी नहीं खुली है लेकिन चाय के बाद खुल जाएगी। और पता है आपको क्या, हॉस्पिटल के बाद आज आप मेरे साथ चाय पी रहे हो, तो पारुल कह रही है कि हॉस्पिटल के बाद आज मैं यहाँ पे बैठ के आराम से चाय पी रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, नीचे मैच वैच आ रहा होता है और मैं नीचे ही चाय पी लेता हूँ और पारुल की यहाँ पे देख के चला जाता हूँ। तो मेरे को लगा आज मैं यहाँ पे आके, क्योंकि पता नहीं है कितना खाती है क्या खाती है, क्योंकि मैं दे जाता हूँ तो यहाँ पे एक डब्बा उसमें रख देती है, उसमें से खा लेती है। तो अब मेरे को पता करना है कि ये क्या खा रही है, कितना खा रही है, इसलिए मैं अपनी चाय भी यहीं पर लेके आ गया। और बच्चा तो है ही दादू के पास। तो हमारी राजलक्ष्मी राव्या अब ऊपर आ गई है दादू के साथ खेल के, गोदी में सो के। अब ये उठी है तो भूख लग गई, अब मम्मी अपनी फीड देने लगी है। वो मैं वीडियो में नहीं ले सकता, काफी लोग पूछते हैं मम्मी देती है नहीं देती, तो मम्मी यू कैन कैरी ऑन नाउ। और फिर पापा वीडियो बना रहे बेबी। ओह सॉरी, ओके मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे पापा फीडिंग बेबी और दादी यहाँ पे गगा बाई सुना रही है। आज भी गीत सुना रहे हो क्या मम्मी से? आज तो यह दादी ने सुना है दुनिया में सबसे मेरे दादा दादी प्यारे, ऐसे बोला तूने? ओह माय गॉड, कैसे हाथ फोल्ड करके बैठी हुई है, गुस्से में है ये? गुस्से में नहीं है ये, गुस्से में है क्यों? ऐसी याद क्यों करे बोले, ऐसी ढक दे दे इनको, डोक दे। देख रही है ये आदमी गोदी ले रहा है, दूध दूध पियावे तो बता भाई, पिला मम्मा पिला। तो मम्मी ने बोला है कि बाहर ना एक पोर्टेबल लाइब्रेरी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये रही वो पोर्टेबल लाइब्रेरी।
मोबाइल लाइब्रेरी, अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो भाई खरीद जाके ले लो अपने लाइब्रेरी कार्ड से। पर हमारे पास तो लाइब्रेरी कार्ड है नहीं ना, पूछो उस तक कौन सी लाइब्रेरी कार्ड ले हो। हाँ जाके पूछते हैं और कौन सी है। तो पारुल और राव्या नहा चुके हैं, ऊपर वो सो रहे हैं और नीचे मैं और मम्मी यहाँ पे लेटे हुए हैं और हम यहाँ पे सो रहे हैं भाई। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से एक घंटे का तगड़ा नैप ले लिया जाए, और पापा भी सो ही रहे हैं आज। थोड़े बहुत काम किए, थोड़ी बहुत सफाई की मैंने और मम्मी ने किचन वगैरह में, सेटअप वगैरह किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद हलवा खा पी के अब हम सोने लगे हैं। और किसी का कमेंट आया था कि ना मम्मी, एक कमेंट आया था कि जो जप्पा होता है ना तो उसमें क्या आदमी भी गूंद खाता है क्या। तो ये क्वेश्चन आया था, तो क्योंकि मैंने वीडियो में काफी बार बताया ना कि मैं गूंद खा रहा हूँ और पारुल को गूंद दे दिया इस टाइप से, तो कुछ लोग तो रेसिपी भी पूछ रहे थे, वो तो बाद में बताएंगे हम आपको अजवाइन कैसे बनाते हैं और गूंद कैसे बनाते हैं। उससे पहले क्वेश्चन ये है कि आदमी भी गूंद खाता है क्या जाप्पे में। तो कुछ लोगों का आंसर मैंने उसमें किसी ने पूछा था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये पूछा था और उसके बाद किसी ने उसके अंदर रिप्लाई भी दे दिया, भाई आदमी की भी तो एनर्जी लग गया है, भागम भागो है तो उसको भी खाना चाहिए। लेकिन क्या है जो मम्मी हमारे लिए अलग बना के लाई, तेरा कहने का इस क्वेश्चन का आंसर ये था कि हमें तो गूंद मम्मी हर साल बना के ही देती है और मेरे लिए अलग से बना के लाई थी इस बार भी। और जो पारुल का गूंद है वो डिफरेंट है, मेरा गूंद डिफरेंट है। जिस जो मेरा गूंद बनाया हुआ है उसमें जो गूंद की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम करके उसमें से भुंदा हुआ आटा घी वो दूसरी चीजें हैं, जो पारुल का गूंद है वो थोड़ा सा हैवी गूंद है, उसमें गूंद की क्वांटिटी ज्यादा है। तो जैसे कि अगर आप फोटो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पारुल का गूंद कैसा दिख रहा है और मेरा गूंद कैसा दिख रहा है। तो ये दो तरीके से अलग अलग गूंद बनाया हुआ है मम्मी ने। जिस दिल्ली रहते थे तो मम्मी भेजती थी हमारे लिए दिल्ली में भी पे ड्राम भर भर के, अब तो फिर भी लड्डू बना के बेचते, अब तो लड्डू आते हैं, पहले तो ड्राम भर भर के आता था सर्दियों में, तो हम तीनों ही खाते थे वहाँ पे दिल्ली में रहते थे जब, सभी खाते थे। जिसका भी ये क्वेश्चन था आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो लेकिन ये खा सकते हैं, ये खाली जप्पे के लिए नहीं है, नॉर्मली भी लोग कई जगह पिन्नी भी बनाते हैं, पिन्नी में गूंद नहीं डालते, और इस तरीके से गूंद के लड्डू बना लो, हल्का हल्का गूंद डाल दो, ज़्यादा मत डालो गूंद नहीं तो हैवी हो जाएगा। और मतलब नट्स वगैरह डाल सकते हो, मगज के बीज हो गए, गोला हो गया एक, वो भी तो है ना मखाने टाइप का ना, मखाने हाँ, तो मखाना टाइप का एक काफी चीजें हैं आप उसके अंदर डाल के बना सकते हैं, डालते हैं। और गोला तो मेन है ही, काले मिर्च वगैरह, ये थोड़ा सा पाचन वगैरह में और अच्छा हो जाता है। तरीके से गूंद का ये जो क्वेश्चन था आपका, आपको आपका रिप्लाई मिल गया होगा कि गूंद मेरा सब खा सकते हैं और पारुल के लिए अलग से है, तो मैं उसका गूंद नहीं ले रहा, अगर कोई सोच रहा हो उसका गूंद ले रहा हूँ, मेरे लिए अलग से आया हुआ था, अब थोड़ी देर सो जाते हैं।